नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे दाल मखनी विद जीरा राइस। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं: दाल मूंग एक पाव, दाल मसूर एक पाव, चावल आधा किलो, टमाटर का पेस्ट एक कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, प्याज 2 अदद दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई, जीरा 2 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 4 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, मक्खन 125 ग्राम, ऑयल 4 टेबलस्पून। भगार के लिए लहसुन 10 से 12 जवे स्लाइस कटिंग हुए हुए। तरकीब: सबसे पहले चावलों को साफ करके आधे घंटे तक भीगने के लिए रख दें। अब दोनों दालों को अच्छे तरीके से धो लें और एक पतीली में तकरीबन 1 लीटर पानी में दालों को तेज आंच पर उबलने के लिए रख दें। जब दाल में उबाल आ जाए तो आंच हल्की कर दें और इसके ऊपर मौजूद झाग को चमचे की मदद से निकाल लें। अब दाल में तमाम खुश्क मसाले, कटी हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक ऐड करें और धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक ढकना ढककर पकने दें। जब दाल का पानी खुश्क हो जाए तो इसे घोटने या चमचे की उल्टी साइड की मदद से अच्छी तरह घोट लें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करें और हसबे जरूरत पानी ऐड करके चमचे की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करें और 5 मिनट तक ढकना ढककर मजीद पकने दें। अब एक फ्राई पैन लें और उसमें मक्खन को गरम करें। अब इसमें कटे हुए लहसुन कड़कड़ाएं और गोल्डन होने दें। चमचे की मदद से चेक करें कि लहसुन करारा हुआ है या नहीं। खुशबू से अंदाजा लगाएं कि लहसुन पकना शुरू हुआ है या नहीं। जब लहसुन करारा हो जाए और खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करें और चमचे की मदद से अच्छी तरह हिलाएं और अब इस भगार को दाल में डाल दें। अब एक और पतीली लें और उसमें ऑयल गरम करें, इसमें जीरा कड़कड़ाएं। अब इसमें 3 टीस्पून नमक और 3 कप पानी के शामिल करें, अच्छे से मिक्स करें और भीगे हुए चावल शामिल करके दरमियानी आंच पर 5 मिनट तक ढकना ढककर पकने दें। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो पतीली के ढकने को कपड़े की मदद से कवर करें और आंच धीमी करके 5 मिनट तक चावलों को दम पर रख दें। मजेदार दाल मखनी और जीरा राइस तैयार है। सैलेड के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org।